क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कह रहा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन रैशनल नंबर्स का जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है, सिर्फ उनका लिखना है जिनका टर्मिनेटिंग आया था। तो टर्मिनेटिंग आया था फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट और नाइन्थ का। तो इन सभी को हम यहाँ पर, इन सभी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 13/3125। तो आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे 3125, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ना करें, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक में बहुत अच्छा तरीका दिया गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 3125 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आपको पहले भी बताया गया है 3125 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 5। आप करके देख सकते हैं इस तरह से 3125, इसके फैक्टर्स करें तो ये आएगा 5 की पावर 5। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 13/3125 को लिखूंगा मैं 5 की पावर 5। अब जितनी भी पावर, 5 की पावर यहाँ पर है, 5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से इतनी ही पावर 2 की हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5/2 की पावर 5, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको दिख जाएगा, 13 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 क्या होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 होती है 32/5 की पावर 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, दोनों की पावर 5 है तो कॉमन आ जाएगी पावर और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 2, इन दोनों की पावर हो जाएगी 5। अब 13 मल्टीप्लाई में 32, ये होता है 416 अपॉन में 5 टू 10, 5 टू 10, 10 की पावर 5, ठीक है। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 क्या हो गया हमारी, ये हो गया 416 और 10 की पावर 5 हो गया हमारी 5 बार, इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 बार लगा दिया गया, नहीं 5 बार, ठीक है, तो 5 बार 0 आ गया। अब जो भी जितने भी 0 हैं उसके बदले हम ऊपर डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल किस तरह से, 0 कितने हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हमारा 416। तो कोई भी नंबर होता है उसमें डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है, तो डेसिमल को हम 5 बार आगे लेके आएंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया ये डेसिमल, ठीक है। तो खाली जगह बची वहां पर हम लगा देंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.00416। फर्स्ट वाले का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.00416। इस तरह से आप फॉलो कीजिए। जैसे सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, हमें हमेशा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितनी भी हमें 2 और 5 की पावर हमें इक्वल करनी है, ठीक है। जैसे सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है 17/8, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो यहाँ पर 5 की पावर लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो 5 की पावर 3 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 क्या होता है, 17 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 होता है 125 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, पावर 3 हमारी कॉमन आ गई। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 17 को 125 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2125, तो 2125 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 टू 10, तो 10 की पावर 3, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2125 अपॉन में 10 की पावर 3 होता है 1000। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 0 कितने हमारे, 3 0 हैं, तो इसमें से हमें 3 डिजिट्स को ही पॉइंट के पीछे भेज देना है, तो 5, 2 और 1 लास्ट की 3 डिजिट्स को पॉइंट के पीछे भेज देंगे, तो 2.125 सेकंड का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा ये। इसी तरह से आगे वाले जो है हमारे 4th, 6th, 8th और 9th, ये जो है इनको भी देखते हैं किस तरह से होंगे नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ क्या हमारा 15/1600, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 15 को 15 ही लिखेंगे और 1600 को हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ठीक है। आप इस तरह से फैक्टर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे इसलिए यहाँ पर मैं बार बार ये फैक्टर्स नहीं कर रहा हूँ।
तो इसमें यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, यानी कि इन दोनों की पावर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 की पावर 4 और नीचे भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यहाँ पर है 5 की पावर 2, यहाँ पर है 5 की पावर 4, यहाँ पर है, तो टोटल क्या हो गई 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई में 50, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होती है 625, 625, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर, इन दोनों को मिलाकर हो जाएगी 6, तो जो 6 पावर है वो आ जाएगी कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5, तो 15 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9375, 9375 अपॉन में 2 5 10, 10 की पावर 6, या फिर मैं 10 की पावर 6 को यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर जो 6 हुई हमारी है इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो भी हमारे जीरोज हैं इनको हटाएंगे और इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल कहाँ पर आएगा, 6 डिजिट को हमें पीछे छोड़ना है, यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट है, तो 2 हम लगा लेंगे 0 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 2 0 लगा ली, उसके बाद 9375, ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन फोर्थ का। फिफ्थ, फिफ्थ में 23 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, तो इसे यहीं से सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, मतलब 1 और 5 की पावर होनी चाहिए, तो क्या करेंगे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1 से, और नीचे भी 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 ही होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आया 23 मल्टीप्लाई में 5, और नीचे आएगा हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर भी 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 5, इन दोनों की पावर है कॉमन 3, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 115 अपॉन में 2 5 हो गया 10, 10 की पावर 3, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 115 अपॉन में 10 की पावर 3 होता है 1000, मतलब जितनी जीरो हैं 3 जीरो हैं तो 3 ही डिजिट को हमें पॉइंट के पीछे लेके जाना है, तो यहाँ पर 3 ही डिजिट है ऊपर, इन तीनों को पॉइंट के पीछे लेके जाएंगे तो ये आएगा 0.115। सिक्स का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.115। सेवन्थ देखते हैं, सेवन्थ हमारा 6 अपॉन में 15, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3, और 15 के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में 5, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारा आएगा 2 अपॉन में 5। डेसिमल एक्सपेंशन सेम उसी तरीके से करना है आपको, नीचे क्या है 5 की पावर 1, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 चाहिए हमें, तो ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर करते हैं इसे, ठीक है, यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ऊपर 2 2 4 और नीचे 5 2 10, तो 4 अपॉन में 10। डेसिमल एक्सपेंशन, 1 0 है नीचे डिनोमिनेटर में, अगर 1 0 है तो डेसिमल जो है ऊपर वाली नंबर को हम मतलब पॉइंट के पीछे 1 डिजिट को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4। एट का आंसर आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ के लिए मुझे रब करना पड़ेगा, चलो रब नहीं करता मैं, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन लगा लेता हूँ इससे नीचे। 35 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 50 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2, 1 5 से 1 5 कैंसिल, नीचे क्या हमारा 5 की पावर 1 है और 2 की पावर भी 1 है, तो नीचे बिल्कुल इक्वल है दोनों 5 और 2 के पावर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 5 2 10, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.7, ये हो जाएगा हमारा नाइन्थ का आंसर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कीजिए बिल्कुल ईजिली, क्योंकि आप अगर हम आपको डिवीजन करना होगा तो 1600 का टेबल आपको मैं बहुत कन्फ्यूजन होगी करने में, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो इसमें हमें सिंपल एक बड़ी मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, बाकी कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, बुक में बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो उनकी वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, ठीक है।